रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर जिला के बड़सर के चंबे गांव का एक पूर्व सैनिक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है। ठगों ने पूर्व सैनिक से ऑनलाइन 14.62 लाख रुपए ठग लिए हैं। एसपी हमीरपुर अरजीत सेन के अनुसार ऑनलाइन ठगी की शिकायत पुलिस में आई है। बड़सर पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन आरम्भ कर दी है। हमीरपुर जिला के बड़सर के चंबे गाँव का एक पूर्व सैनिक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है। ठगों ने पूर्व सैनिक से ऑनलाइन 14.62 लाख रुपए ठग लिए हैं। चंबे गांव के सोमदत्त के लड़के इशांत ने बताया कि उसके एक ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनी से मोबाइल का ऑर्डर दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसने मोबाइल वापस कर दिया, जिसके बाद उनको अनजान मोबाइल नंबर से फोन आया कि आपका नंबर हमारी कंपनी की तरफ से लक्की ड्रॉ में विजेता के रूप में घोषित हुआ है। इनाम के तौर पर आपको 12 लाख रुपए या स्कॉर्पियो गाड़ी दी जाएगी। लग्जरी गाड़ी इनाम में निकलने की जानकारी मिलते ही इशांत ने पूरी बात अपने पिता को बताई। उसके बाद दोनों की अनजान मोबाइल नंबर वाले शख्स से गाड़ी की डिलीवरी लेने के बारे में बातचीत होने लगी। इनाम देने वाले शख्स ने उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 5,500 रुपए जमा करवाने को कहा। रजिस्ट्रेशन फीस के बाद टैक्स, इंश्योरेंस और अन्य कई प्रकार की बातों में उलझाकर कुल 14,62,300 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए, लेकिन लग्जरी गाड़ी नहीं दी। पिछले कई महीनों से आस लगाए बैठे बाप बेटे को जब लग्जरी गाड़ी नहीं मिली तो उन्हें अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ। उसके बाद भी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन बड़सर पहुंचे। बड़सर पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज करके छानबीन आरम्भ कर दी है। जिले में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग भी ठगी का शिकार हो रहे हैं, जबकि पुलिस समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों के जरिए लोगों को जागरूक करने के प्रयास कर रही है। एसपी हमीरपुर अरजीत सेन के अनुसार ऑनलाइन ठगी की शिकायत पुलिस में आई है। बड़सर पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन आरम्भ कर दी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि इस प्रकार की लॉटरी और ऑनलाइन गिफ्ट के लालच में ना आए। उन्होंने अपना बैंक खाता, एटीएम पिन नंबर और आधार नंबर किसी के साथ शेयर ना करने की हिदायत भी दी है। एक बड़सर में एक पिछले कल एक 14 लाख रुपए के आसपास का फ्रॉड हमारे संज्ञान में आया, जिसके ऊपर एक एफआईआर भी रजिस्टर की गई है बड़सर में। उसमें ये व्यक्ति लगातार उस कंप्लेन जो व्यक्ति था उसके झांसे में आकर बारी बारी करके पिछले 3-4 महीनों में टोटल 14 लाख रुपए उसको दे चुके हैं। ये एक घटना जो है, इसके लिए हमारी एक टीम जो है पिछले कल रवाना हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि हम कुछ इसमें नेसेसरी अकाउंट्स वगैरह से कुछ चेक करने के बाद कुछ आगे कार्रवाई कर पाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई सक्सेस हमको जरूर मिलेगी। ठगी के लिए हमने काफ़ी पीछे सेमिनार भी किए और लोगों को अवेयर करने की कोशिश भी की, पर लोग फिर भी कई बार जो है केयरलेस हो जाते हैं इस मामले में। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से लोगों को ये भी फिर दोबारा से बताना चाहूँगा कि भी ये अननेसेसरी अगर कोई ऐसा प्रलोभन दे रहा है कि आपका 1,000 रुपया एक महीने में 1 लाख हो जाएगा या 1 साल में, तो ऐसी कोई भी स्कीम है विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें कहीं नहीं होती। अगर कोई आपको मान लो फेक या नकली दस्तावेज जिसमें RBI या SEBI या किसी बैंक के डॉक्यूमेंट्स या किसी मैनेजर की डिटेल्स भी मिलती हैं, तो उसको वेरीफाई ज़रूर करें अपने लोकल बैंक से। और अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको आती है तो उस पर हम कंप्लेंट भी दायर करेंगे, पर ये FIR दायर करेंगे, पर ये अननेसेसरी अपनी गलती अपनी लापरवाही के कारण अगर ये कोई ठगी होती है तो उस समय वो डायरेक्टली बैंक में रिपोर्ट कर सकते हैं। बैंक वालों की मैंडेट है कि वो इसका हल जो है 48 घंटे के अंदर अंदर निकालें। तो अवेयर रहना और केयरफुल रहना अपने पैसों के मामले में खासकर। और एक बार अगर मान लो आप किसी ट्रैप में फंस ही जाते हैं, अगर लालच में आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ धोखाधड़ी हो रही है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैंक अथॉरिटीज़ और पुलिस को बताएं ताकि इसमें और फ्रॉड ना बढ़े।